हेलो एवरीवन, अंजूस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ क्रिसमस केक बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे मैंने क्रिसमस थीम पर डेकोरेट किया है। और जो भी डेकोरेशन इसमें की है, बहुत ही सिंपल तरीके से की है, जिसे आप इजीली घर में कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ध्यान से देखिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे इस तरह के जो इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं उन्हें आप देख सकें। तो चलिए इसे बनाने स्टार्ट करते हैं। केक का बैटर बनाने से पहले हम केक टिन को ग्रीस करके रख देंगे। ये मैंने इसमें बटर पेपर लगा लिया है नीचे। केक टिन को हमने ग्रीस कर लिया है। अब हम एक बोल लेंगे और इसमें डालेंगे टूटी फ्रूटी और चेरी। ये मैंने एक एक चम्मच टूटी फ्रूटी और चेरी लिया है, और ये कुछ नट्स हैं 2 चम्मच के करीब, ये इसमें डाल लेंगे। और इसमें डालेंगे 1 चम्मच मैदा और इसको इसमें मिक्स करेंगे। ये कुछ नट्स और टूटी फ्रूटी चेरी ये मैं इसमें इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हम क्रिसमस केक बना रहे हैं। मैदा में कोट करके इसको हम रख लेंगे साइड में। ये मैंने लिया है 3/4 कप दूध, रूम टेम्परेचर का दूध है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच विनेगर और इसे मिक्स कर देंगे और साइड में रख देंगे। अब हम लेंगे मिक्सिंग बोल, इसमें लेंगे ऑयल। ये मैंने 1/2 कप से 1 चम्मच कम ऑयल लिया है। इसमें ऐड करेंगे 1 कप चीनी, पिसी हुई चीनी, और इसे विस्कर से मिक्स करेंगे और तब तक फेंटेंगे जब तक ये अच्छा क्रीमी टेक्सचर ना आ जाए। करीब 4 से 5 मिनट तक हम इसे फेंटेंगे। 4-5 मिनट तक हमने इसे फेंट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच वनीला एसेंस और ये दूध जो हमने सिरका मिला के रखा था, इनको एक बार मिक्स कर लेंगे। सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम बोल पर लेंगे एक चलनी और उसमें लेंगे 1.5 कप मैदा। इसको अच्छे से छान लेंगे। अब हम इसमें लेंगे 1/4 कप कोकोआ पाउडर, 1 TSP बेकिंग पाउडर, 1/2 TSP बेकिंग सोडा। इन सबको भी छान लेंगे। इन सबको मिक्स करेंगे। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और एकदम लम्प फ्री बैटर बनके रेडी हो चुका है। बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की रखनी है। अब हम इसमें ये टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट जो डाल के रखे थे उन्हें मिक्स कर लेंगे। अब हम बैटर को केक टिन में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम इसे एक बार टैप कर लेंगे। अब हम केक टिन को कढ़ाई में रखेंगे। ये कढ़ाई मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दी थी करीब 10 मिनट के लिए। केक टिन इसमें रख के हम इसे ढक देंगे। और इसे करीब 45 से 50 मिनट तक के लिए पकने देंगे लो फ्लेम पर। केक को बनने रखे हुए पूरे 45 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको चेक करेंगे। बीच में टूथपिक डाल के चेक करेंगे। केक बिल्कुल क्लीन है। जब हमने इसको बनने रखा था तो ये केक टिन सिर्फ हाफ फिल था, और अब देखिए पूरा फुल करके ये ऊपर तक आ चुका है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम बाहर निकालेंगे और थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। केक ठंडा हो गया है और मैंने उसे डीमोल्ड कर दिया है। अब हम इसकी बीच की लेयर निकालेंगे। उसके लिए नाइफ की हेल्प से पहले मैं चारों तरफ कट लगा लूंगी। चारों तरफ इस तरह से हमने कट लगा लिए हैं, और उसके बाद ये एक थ्रेड लेंगे और इस जो कट है इसमें इसको फिक्स कर लेंगे, और उसके बाद इसे धीरे धीरे खींचेंगे।
देखिए दो लेयर तैयार हो गई है, एक लेयर मैंने साइड में रख दी है। अब हम इसकी आइसिंग करेंगे। तो सबसे पहले इस लेयर पर हम लगाएंगे शुगर सिरप। ये मैंने सिंपल 1 चम्मच चीनी को पानी के साथ मिक्स कर लिया है। शुगर सिरप लगाने के बाद हम इस पे लगाएंगे क्रीम। ये मैंने 250 ग्राम क्रीम ली है, जो कि मैंने बेकरी शॉप से विप ही तैयार क्रीम ही मंगवाई है। आप चाहें तो विपिंग क्रीम से विप करके भी इसको तैयार कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर रखेंगे दूसरी लेयर। ये थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पड़ रहा था व्हाइट प्लेट पे, व्हाइट क्रीम का, इसलिए मैंने प्लेट चेंज कर ली है। अब हम इसके ऊपर भी सेम प्रोसेस करेंगे। पहले लगाएंगे शुगर सिरप और उसके बाद इस पे क्रीम लगाएंगे और चारों तरफ से इसे कवर करेंगे। केक पर मैंने चारों तरफ क्रीम लगा दी है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। अब हम क्रिसमस ट्री बनाने के लिए फॉन्डेंट रेडी करेंगे, जो कि मैं मैरीगोल्ड बिस्किट से बनाने वाली हूँ। वैसे तो फॉन्डेंट बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो जिलेटिन पाउडर या मिल्क पाउडर से बनता है, पर ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है जो मैंने खुद ने ही बनाया है, और बहुत ही इजीली इससे हम ट्री बना लेंगे। तो सबसे पहले हम मैरीगोल्ड बिस्किट को पीस करके इसका पाउडर रेडी करेंगे। बिस्किट को पीस करके मैंने इसका एकदम फाइन पाउडर बना लिया है, और पीसते समय मैंने इसमें 1-2 चम्मच चीनी ऐड कर ली थी, क्योंकि मैरीगोल्ड बिस्किट का जो फ्लेवर है वो इतना मीठा नहीं होता। आपकी चॉइस है, आप जितना मीठा चाहें उस हिसाब से चीनी ऐड करें या ना भी ऐड करें। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इसका एक डो रेडी करेंगे। ये हमने इसमें दूध मिला करके रेडी कर लिया है। दूध इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है, क्योंकि यदि ज्यादा लिक्विड हो जाएगा तो ये डो की फॉर्म में नहीं आएगा। अब हम इसमें ग्रीन फूड कलर ऐड करेंगे। ये मैं पाउडर वाला ले रही हूँ, आप जेल कलर भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और इसको थोड़ा थोड़ा इसमें इस तरह से मिलाएंगे। इस तरह से हमने ग्रीन कलर का ये फोंडेंट रेडी कर लिया है। अब हम इसका ट्री बनाएंगे। तो पहले हम इतना इसका पार्ट लेंगे और इसको ट्री जैसी शेप देंगे इस तरह से, और फिर सीजर से इसको इस तरह से हम कट करेंगे। चारों तरफ से इसी तरह से थोड़ा थोड़ा हम कट लगा देंगे। ये ट्रीज हमने बना लिए हैं, देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। इसको थोड़ा थोड़ा सीजर से कट कर लिया और उसके बाद स्प्रिंकल्स इसमें लगा दिए हैं। ट्री का स्टेम बनाने के लिए मैंने चॉकलेट ली है, जिसको मैंने मेल्ट करके कीप में ले लिया है। ये मैंने इस तरह से हम इसका स्टेम रेडी कर लेंगे। इस तरह से मैंने चॉकलेट से लंबे लंबे स्टेम टाइप बना दिए हैं। अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। अभी मैंने थोड़ी सी क्रीम में पिंक कलर मिला करके रेडी कर लिया है और स्टार नोजल ली है। इससे हम चारों तरफ इसका बॉर्डर बनाएंगे। आपके पास यदि रेड कलर अवेलेबल हो तो रेड कलर यूज करें, क्योंकि क्रिसमस पर रेड और व्हाइट की ही थीम होती है, पर मेरे पास रेड नहीं था इसलिए मैं पिंक यूज कर रही हूँ। इस तरह से हम चारों तरफ इसके फ्लावर्स बना लेंगे। अब हम ये जो हमने चॉकलेट से ये लाइंस बनाई थी इसको निकालेंगे और इसमें स्टेम लगा के इसको केक में सेट करेंगे। इस तरह से हम इसको इसके बीच में लगा देंगे और इसके बाद उसे केक में सेट कर लेंगे। ये मैंने पूरा केक देखिए डेकोरेट कर दिया है, ट्रीज लगा दिए हैं और ये व्हाइट क्रीम से मैंने छोटा सा स्नोमैन बना दिया है। इसके अलावा जब चॉकलेट से मैंने स्टेम्स बनाई थी उसी समय मैंने मैरी क्रिसमस लिख के रख दिया था, जो कि मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। थोड़ा ऊपर जगह कम था इसलिए मैंने क्रिसमस को यहाँ लगा दिया है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। इसके अलावा मैंने ली है व्हाइट चॉकलेट, थोड़ा स्नो का लुक आने के लिए इस व्हाइट चॉकलेट को मैं इस ग्रेटर से ग्रेट करूंगी इसके ऊपर। क्रिसमस केक बनकर बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको ये बहुत पसंद आया होगा, एंड आपने जो तरीका देखा मैंने बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीका यूज किया है, जिसे आप लोग इजीली अपने घर में अप्लाई कर सकते हैं
और आप लोग इस तरह का केक बनाकर अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं इस क्रिसमस पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।